मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन हुकूमत का साफ पानी के लिए अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। सरमायाकारी का मकसद निगरानी, तशखीस और बहाली के काम में मदद करना है। वफाकी हुकूमत की कुल सरमायाकारी $750 मिलियन तक पहुँच गई। कनाडा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट GPT के खिलाफ तहकीकात का आगाज। प्राइवेसी कमिश्नर का कहना है कि मसनूई जहानत और राजदारी पर इसके असरात अवलीन तरजीह हैं। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उनके नतायज को जारी करेंगे। टोरंटो शहर में 24 घंटों के दौरान तूफानी बारिश की पेशगोई। माहरीन ने टोरंटो में ज़ालाबारी का भी खदशा जाहिर कर दिया। टोरंटो में दर्जा हरारत 16 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हमारा मुल्क जहन्नुम में जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मेरे खिलाफ अदालती कार्रवाई इंतखाबी अमल में मदाखलत है। मेरे खिलाफ जाली केस 2024 के इलेक्शन के सिलसिले में सामने लाया गया। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कनाडा की वफाकी हुकूमत का कहना है कि वो मुल्क के ताज़ा पानी के ज़राए बशमूल अजीम झीलों के तहफ्फुज में कनाडा की अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी कर रही है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत ने साफ पानी के लिए अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। कैनेडा की वफाकी हुकूमत का कहना है कि वो मुल्क के ताज़ा पानी के ज़राए बशमूल अजीम झीलों के तहफ्फुज में कैनेडा की अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी कर रही है। कैनेडा के वजीर माहौलियात स्टीवन गुलबो ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन के दौरे और हालिया बजट में हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा वादों से वफाकी हुकूमत की कुल सरमायाकारी $750 मिलियन तक पहुँच गई है। ये फैसला हमें उस मैंडेट में $1 बिलियन की सरमायाकारी करने के अपने अजम के बहुत करीब ले आता है, लिहाजा हम अभी तक वहाँ नहीं है। हुकूमत ने बाइडन के दौरे के दौरान ऐलान किया कि वो अजीम झीलों की सफाई और बहाली के लिए $420 मिलियन खर्च करेगी। ये रकम कुल $750 मिलियन का हिस्सा है। 2021 की इंतखाबी मुहिम के दौरान लिबरल्स ने दरियाओं, बड़ी झीलों और अजीम झीलों समेत मीठे पानी के जखायर की हिफाजत और बहाली के लिए 10 सालों में $1 बिलियन से जायद खर्च करने का अहद किया था। पिछले हफ्ते के बजट में दरियाए फ्रेजर, दरियाए मैकेंजी, लेक विनीपेग, लेक ऑफ दी वुड्स, लेक सिमको, दरियाए सेंट लॉरेंस और अजीम झीलों के लिए 10 सालों में
$650 million मुख्तस किए गए थे। इस रकम का मकसद निगरानी, तशखीस और बहाली के काम में मदद करना, नुकसानदेह केमिकल्स के अखराज को रोकने और अलजी के फूलों की तादाद को कम करना है। कनाडा के फेडरल प्राइवेसी कमिश्नर ने चैट GPT के पीछे कंपनी के बारे में तहकीकात का आगाज किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के फेडरल प्राइवेसी कमिश्नर ने चैट GPT के पीछे कंपनी के बारे में तहकीकात का आगाज किया है, जो कि एक धमाका खेज मकबूल मस्नूई जहानत से चलने वाली चैट बोट है। वॉच डॉग के दफ्तर ने मंगल को ऐलान किया कि वो अमरीका में कायम कंपनी OpenAI के खिलाफ तहकीकात शुरू कर रहा है, क्योंकि उसे एक शिकायत मौसूल हुई थी जिसमें ज़ाती मालूमात को जमा, इस्तेमाल और रजामंदी के बगैर अफशा करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। प्राइवेसी कमिश्नर ने एक मीडिया बयान में कहा कि मस्नूई जहानत और रासदारी पर उसके असरात अवलीन तरजीह हैं और उनके दफ्तर को तेजी से आगे बढ़ने वाली तकनीकी तरक्की से आगे रहना चाहिए। प्राइवेसी कमिश्नर के दफ्तर ने कहा कि वो इस वक्त मजीद तफसीलात जारी नहीं करेगा, लेकिन उसका मैंडेट यह है कि वो तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उनके नतायज को अवामी तौर पर रिपोर्ट करे, जो गुज़िश्ता नवंबर में शुरू किया गया था। सार्फीन की तरफ से पूछे गए सवालात के तफसीली बातचीत के जवाबात फराहम करने के लिए इंटरनेट में पहले से मौजूद तहरीरी मालूमात का इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर कोड से लेकर स्क्रीन प्ले तक सब कुछ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। OpenAI ने प्राइवेसी कमिश्नर की तहकीकात के बारे में तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। टोरंटो शहर ने अब तक मौसमी इंतबाहात से गुरेज किया है, जबकि अगले 24 घंटों में शदीद बारिश के साथ एक मजबूत तूफान की तवक्को है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो शहर ने अब तक मौसमी इंतबाहात से गुरेज किया है, जबकि अगले 24 घंटों में शदीद बारिश के साथ एक मजबूत तूफान की तवक्को है। चाहे ये थंडर बे में बर्फानी तूफान जैसी सूरत हाल हो या सिडबरी के इलाके में जमने वाली बारिश, ऑन्टेरियो का ताज़ा तरीन तूफान खत्ते और नतायज के लिहाज से वसी होगा। जनूबी ऑन्टेरियो में फैले हुए इलाकों के लिए मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ शदीद तूफान का खतरा होगा, जब बुध को टोरंटो में दर्जा हरारत 16 सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा। माहरीन मौसमियात का कहना है कि जैसे ऑटावा, बैल्यूल या पेट्रोबोरो के इलाकों में खासी बर्फ पड़ जाएगी, कुछ इलाकों में 15 से 25 मिलीमीटर तक बर्फ का इजाफा देखा जा सकता है। कुछ इलाके बशमूल लंदन और विंडसर में दर्जा हरारत बुध की सुपहर 20 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। गर्म दर्जा हरारत में अचानक इजाफा गरज चमक के लिए मिसाली है। माहरीन का कहना है कि तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने वाली है। कुछ बड़े ओलों का थोड़ा सा खतरा है, लेकिन हवाओं को नुकसान पहुँचाने का ज्यादा खतरा है और बड़े ओले टोरंटो के मगरिब में हैमिल्टन और नियाग्रा फॉल्स में गिर सकते हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारा मुल्क जहन्नुम में जा रहा है, कभी नहीं सोचा था अमरीका में ऐसा हो सकता है। मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं और मेरे खिलाफ अदालती कार्रवाई इंतखाबी अमल में मदाखलत है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारा मुल्क जहन्नुम में जा रहा है, कभी नहीं सोचा था अमरीका में ऐसा हो सकता है। मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं और मेरे खिलाफ अदालती कार्रवाई इंतखाबी अमल में मदाखलत है। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में अदालत में पेशी के बाद फ्लोरिडा में हामियों से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया पहले ही बहुत सी दूसरी वजूहात के बिना पर हम पर हंस रही है। साबिक अमरीकी सदर ने कहा कि मेरे खिलाफ जाली केस 2024 के इलेक्शन के सिलसिले में सामने लाए गए, मेरा वाहिद जुर्म यह है कि मैंने अपनी कौम का उन लोगों से बिला खौफ व खतरा दिफा किया जो उसे तबाह करना चाहते हैं। 7 करोड़ से ज़ायद वोट लेने वाले अमरीकी सदर पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है, जबकि मैं अमरीका में इस तरह की मदाखलत का सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि अमरीका बदनज़मी का शिकार हो चुका है, मईशत तबाह हो रही है, अफरात ज़र काबू से बाहर हो रहा है। रूस ने सदर बाइडन के दौरे इक्तदार में चीन से और सऊदी अरब ने ईरान से शराकत कर ली है। अगर वो अमेरिका के सदर होते तो ऐसा कभी नहीं होता। उन्होंने फर्द जुर्म आयद करने वाले जज को मुतासिब, जबकि न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को मुजरिम करार देते हुए कहा कि जज ट्रंप से नफरत करने वाला है और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ब्रॉक को मुस्ताफी होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। साबिक अमरीकी सदर ने अपने खिलाफ अदालती कार्रवाई को इंतखाबी अमल में मदाखलत करार दे दिया। वाज़ह रहे कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार कर लिया गया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप पर 2016 के इंतखाबी मुहिम के दौरान खुफिया रकम की अदायगी का इल्ज़ाम है। डोनाल्ड ट्रंप पर 2016 के इंतखाबी मुहिम के फंड्स का गलत इस्तेमाल और बिजनेस रिकॉर्ड्स में करप्शन करने के इल्ज़ाम पर फर्द जुर्म आयद की गई है, जिसमें से 34 इल्ज़ाम को साबिक सदर ने मुस्तरद कर दिया है। टैग TV के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग TV।